हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटॉक। आई नो वीडियो की थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। तो पहले तो सॉरी कि इस हफ्ता जो नया इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का वीडियो आने वाला था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने वीडियो डालने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में मैंने कुछ बाइक की कॉन्स बताए थे तो कंपनी को वो पसंद नहीं आया, तो इसीलिए वो मना कर दिया। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि साउथ इंडिया की एक कंपनी है जिनका इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है, तो कुछ हफ्ता पहले मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो कंपनी भी राजी हो गई थी। सो रिसेंटली जब मैंने सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह कर लिया था, बट जैसे ही मैंने उन्हें कॉन्स बताया तो वो लोग मना कर दिया, उनको कॉन्स पसंद नहीं आया। वो लोग मेरे से डिसएग्री कर रहे थे, दे वर सेइंग कि कॉन्स को आप पॉजिटिव वे में बोल सकते थे। तो कॉन्स ऑलरेडी एक नेगेटिव चीज़ है, उसे मैं अगर पॉजिटिव वे में बोलता हूँ तो फिर वो कॉन्स कैसे रहा, वो तो फिर प्रोज ही हो गया ना। तो ये बात कंपनी को पसंद नहीं आया एंड इवेंचुअली वी एंडेड अप विद द कैंसिलेशन ऑफ द प्रपोजल। तो इसी वजह से वीडियो जो आने वाला था वो नहीं आ पाया। हालांकि बाइक की परफॉर्मेंस अच्छा था, इनफैक्ट आई वुड से कि बाइक की डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। इसमें 6061 एल्युमिनियम फ्रेम था, बट फ्रेम का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी स्लीक था और इसकी कस्टम मेड इंटीग्रेटेड बैटरी के कारण ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, बट बाइक की जो बाकी स्पेसिफिकेशन था वो कुछ इस प्रकार था कि उसमें आपको 36 वोल्ट 250 वॉट की BLDC हब मोटर मिलता, 10.4 एच की लिथियम आयन बैटरी मिलता सैमसंग या LG का बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। इसके अलावा 29 इंचेस केंडा टायर्स था, 100 mm जूम सस्पेंशन था, शिमानो टॉनी की 7 स्पीड गियर सिस्टम था और डुअल इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक भी था। तो यही कुछ मेन स्पेसिफिकेशन था और इसके लिए कंपनी इज चार्जिंग 55,000 रुपीज़। तो मैंने वीडियो में बस इतना ही बताया कि जो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस प्राइस के साथ जस्टिफाइड नहीं है। तो कंपनी को ये बात पसंद नहीं आया, दे वर सेइंग कि उन लोगों का डिज़ाइन बेटर है। माना कि डिज़ाइन बेटर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन हाउ कुड यू चार्ज 55,000 रुपीज़ फॉर दिस स्पेसिफिकेशन एंड फीचर, जबकि इससे 5 से 10,000 कम रेंज में आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन एंड फीचर के साथ ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल मिल रहा है। तो मुझे ये बाइक वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे ये ओवर प्राइस लगा और कंपनी को ये बात पसंद नहीं आया, तो इसीलिए प्रपोजल कैंसिल करना पड़ा। इवन 55,000 की बाइक होने के बावजूद भी इसके साथ आपको कोई एक्सेसरीज नहीं मिलेगा। एक्सेसरीज के लिए ये लोग अलग से 1600 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से ये बाइक के साथ इंक्लूडेड होना चाहिए था। इनफैक्ट बाइक में जो गियर सिस्टम यूज़ किया गया है वो एंट्री लेवल का है, जिसे इम्प्रूव किया जा सकता था या फिर प्राइस को कम किया जा सकता था। तो यही कुछ कॉन्स था जो कंपनी को पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने भी वीडियो बनाने से मना कर दिया और यही रीज़न है कि इस हफ्ता वीडियो नहीं आ पाया। बट हाँ, नेक्स्ट वीक से आपको वीडियो मिल जाएगा और कुछ नया इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल भी लॉन्च होने वाला है, जैसे टोरोइड का नया इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल लॉन्च होगा। इसके अलावा इंडिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल भी आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे, जिसकी कॉस्ट हीरो इलेक्ट्रो ग्लाइड से भी सस्ता है। तो ये सब के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अजय साइनिंग ऑफ।